अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा जंटा पक्का पाकिस्तान पंजाब पेज, और ये है मेरा पाकिस्तान, खालसा राज फुट स्टेप्स इन पाकिस्तान, बिटर ट्रूथ्स ऑफ 1947, पाकिस्तान हेरिटेज क्लब और सोना पंजाब, तमाम पेजेस के नाल मैं हाजिर हाँ। फिर तो एक डिफरेंट प्लेस लैके, डिफरेंट चीज़ें लैके खालसा राज दियाँ मैं थोड़े खिदमत हाजिर हाँ। सामने नज़र आने वाली बिल्डिंग जी है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दी है, 1947 तो पहले बनने वाला शाकार जड़ा कन्वर्ट हो गया 1947 तो बाद स्कूल दे विच गवर्नमेंट जिना मेमोरियल स्कूल मुस्लिम हाई स्कूल प्रकाश हॉल जड़ा वो अंदर तीन क्लासा बैठ दियाँ ने और उत्ते वाला हिस्सा है जो स्कॉलर ने उन्होंने कोल है एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरु खंडा है और उस तो बाद एक ओंकार है और उस तो बाद गुरुद्वारा गुरु श्री गुरु सिंह सभा मॉल में आर्किटेक्चर जड़ा है 1919 और 20 के दरमियान और कंप्लीट होने का टाइम है 1930 से 32 क्योंकि जो गुरु सिंह सभा मूवमेंट लाहौर तो शुरू होती है तो उस वेले जरा वजूद आता है। ये दो गुरुद्वारे सन आमने सामने, एक भी स्कूल है और दूसरे बच्च भी स्कूल है, मैं तुम दिखाता चाहता वा। बहुत सॉलिड आर्कीटेक्चर है, स्टिल इन अ रियल शेप। देखते खालसा फ्लैग और ए देखो तुसी ए कृपाना बनी हुई है साइड से। गल आ जाती है जो खालसा राज दी, खालसा राज दा पंथ जिहड़ा स्टार्ट ही गुजरांवाले तो हुंदा और गुजरांवाला जिहड़ा है इत्थों बेसिक शुरू हुंदी है और अरूज जाके मिलता है लाहौर तक के अंदर। यह सामने खड़ा हुआ टावर जिहड़ा तुहानू नज़र आ रहा क्लॉक टावर है पाकिस्तान के अंदर या नॉर्थ वैसट पंजाब के अंदर वाहिद एक क्लॉक टावर है जिहड़ा कि खालसा हैंड्स नाल बनया होया है। यह खालसा हत्था का बनया हुआ वाहद क्लॉक टावर है जिहड़ा कि है तो बिल्कुल विक्टोरियन स्टाइल में है बनया हुआ और उसी दौरान का बनया हुआ है जदों के बाकी क्लॉक टावर बनाए गए सी, लेकिन यह वाहिद की सेवा जी है वह खालसा हत्था नाल की गई है और प्रॉपर तौर के उत्ते अभी टहल सेवा करवाई स्टोन लेट बाय भी जड़ा वो लिखा हुआ है कि खालसा हाई स्कूल जड़ा है वो कमेटी ने यह डोनेट किया गुजरांवाला सिटी वास्ते। चलो पहले मैं तुहानू गुरद्वारा गुरु सिंह सभा के मुतलक थोड़ा जिहा दसदा चलना फिर उस तो बाद जी है गल अगे करने। यह देखो तुसी आज भी उस तरह है, यह पांच दरवाजे ने 1 2 3 4 5 6 7 ने बल्कि सॉरी 7 दरवाजे ने और 7 ही आर्चिज ने। अगे बहुत बड़ा सेन है उत्ते भी कमरे ने 8 कमरे उत्ते ने मौजूद ने और इन्ना स्ट्रक्चर मजबूत है कि हले तक इन दरार तक नहीं आई लेकिन इनकी छत्त बहुत वीक हो चुकी ने बिल्कुल हूँ गिरन वाली ने। शाम के टलते साए ने और मैं खालसा फुटस्टैप लभन वास्ते पहुँचा हुआ वहाँ अज गुजरांवाले, अज मैं पूरा दिन गुजरांवाला के अंदर गुजारे है। यह देखो तुम्हें यह टहल सेवा भी तुम्हारे सामने नज़र आ रही है, यह टहल सेवा करवाई है उस तो बाद टहल सेवा करवाई है तो बहुत ज़्यादा तुम नज़र आएगी। यह देखो तुम यह पूरा बोर्ड लगे हुआ टहल सेवा का, स्कूल लॉक है, ड्यूटी सिक्योरिटी मैं जंगला टॉप के अंदर जा नहीं सकता इस वास्ते मैं तुम्हें बारों बारों ही दिखा रहा वहाँ, लेकिन खालसा राज के फुटस्टैप किसी ने अज तक नहीं मिटाए वो तो तुम्हें मैं बार बार दिखाना वा चीज़ा। है देखो तुम पिलर के नाल बनया हुआ गुरु खंडा अज भी अपनी आगोताप दिखा रहा है, रोड के उत्ते होने बावजूद भी किसी ने डैमेज नहीं किया। जोड़े लोग कहते हैं कि मुसलमान अतवर्दी करते हैं और सारिया चीज़ों खराब करते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। यह एंट्रेंस डोर देखो तुम टीक वुड ना बनया हुआ अज भी अपनी आबोताब के नाल उस तरह चमक दमक दिखा रहा है। यह बच्चे ने कुछ पेंट वगैरह किया
वरना तुम देखो गुरुखंडा साहब भी तुम्हें मुकम्मल तौर पर नज़र आएगा। पैरेट ग्रेप्स खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। प्री पार्टीशन बनिया हुआ गुरुद्वारा गुरु श्री सिंह सभा, ए भी देखो सहल सेवा करवाई जी इतने भी मौजूद है। मेन रोड होने बारों शोर बहुत ज्यादा है, जो लोग कहते हैं कि वैस्ट पंजाब दे विच या वैस्ट पंजाब दे नाल सिख राज दा की तलक है, सिखां दा की तलक है, तो वो यही तलक है। देखो कि इत्थे अज भी वो फुटस्टैप्स जिहड़े ने सारे दे सारे बाकी ने। इस जगह दे उत्ते भी एक वड्डा गुरद्वारा साहिब हुंदा सी, उहनूं गिरा के ते एक वारी विच जलजला आया जिहदी वजह नाल यह गिर गया, और गिरन तो बाद इत्थे स्कूल जिहड़ा है उहनूं उहदी इमारत तो दुबारा बना दिता गया है। दो गुरुद्वारा साहेब आमना सामने सी, एक गुरुद्वारा साहेब इधर सी और एक है, और उस तो बाद तुसी देखो कि एड़ा क्लॉक टावर है जिदी मैं गल कर रहा वहाँ कि बिल्ड बाय खालसा राज, और खालसा मूवमेंट ने जिन्होंने खालसा स्कूल चलाए सन उन्होंने सिटी ऑफ गुजरांवाला वास्ते डोनेट किया, क्योंकि वैसे तो अंग्रेज सरकार डोनेट कर दी सी, लेकिन ये वाहिद क्लॉक टावर है जिहड़ा कि खालसा हैंड्स वालों गुजरांवाले दी नेशन वास्ते जिहड़ा सी ओह प्रेजेंट किया गया सी। मैं हाँ तुहाड़ा अपना हूँ बाबा जी, तुसीं देख रहे हो खालसा राज फुटस्टैप्स इन पाकिस्तान। मैं इहदे प्राइमरी सोर्सिस तुहानूं मैं दिखांदा चला, क्योंकि मैं एवें नहीं इहनूं कह रहा कि भी यह खालसा राज दे फुटस्टैप्स ने, इहदे प्रॉपर तौर उत्ते स्टोन लेट बाय छुपया होया सी, मैं कट के मार्कर नाल उहनूं हाईलाइट किया, और हाईलाइट करन तो बाद मैं तुहानूं दिखाउण जा रहा वहाँ स्टोन लेट बाय है। देखो गिफ्ट ऑफ बी गुलाब सिंह वाइस प्रिंसिपल कमेटी एंड मैनेजर ऑफ खालसा, के फॉर खालसा, एच फॉर हाई, खालसा हाई सेकेंडरी स्कूल। यह प्राइमरी सोर्स है जिहड़ा कि अज भी बाकी है कि गुलाब सिंह जो वाइस प्रिंसिपल सन खालसा हाई स्कूल दे, उन्होंने सिटी वास्ते डोनेट किया यह क्लॉक टावर जिहड़ियां कि 6 मंजिला ने। यह देखो तुसीं अज भी अपनी आपोताप दिखा रहा है, लेकिन अफसोस नाल कहना पेगा कि यह निगलैक्टेड है बाकी क्लॉक टावरस की तरह। सिर्फ एक फैसलाबाद का क्लॉक टावर है जिहड़ा कि अपनी बहुत अच्छी हालत विच है। यह देखो तुसीं कितने तक गया होया, फर्स्ट है, सैकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ फ्लोर उत्ते जाके लग्या होया क्लॉक टावर। और पिछे जिहड़ा बाजार तुसीं देख रहे हो इस बाजार नूं कहा जांदा है गुरु नानकपुरा, मोहल्ला गुरु नानकपुरा है पाकिस्तान के अंदर। इस बाजार नूं अज भी गुरु नानकपुरा ही कहा जांदा है, क्लॉक टावर चौक और गुरु नानकपुरा मोहल्ला। मैं हाँ तुहाड़ा अपना होस्ट बाबा जी, और तुसीं देख रहे हो खालसा राज फुटस्टैप्स इन पाकिस्तान। अज दे साम शाम दे टलदे साए है मेरी सारी काविश जिहड़ी है सिख संगत वास्ते वे, और उन्हां लोकां वास्ते वे जिहड़े लोग मेरी रिसर्च नूं देखदे ने और खालसा राज फुटस्टैप नूं अडमायर करदे ने। तो वेखते रहो खालसा राज फुटस्टैप्स इन पाकिस्तान, सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान।